हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11 था, ग्रेविटेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एक महीना पहले, ठीक है। उसके बाद में बंद कर दिया था। उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटेशन क्या है, तो तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है, ठीक है। उसका नेचर हमेशा कौन सा रहेगा? उसका नेचर हमेशा रहेगा अट्रैक्शन वाला, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि ड्यू टू मासेस, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स या सिर्फ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि उन दो बॉडीज के पास क्या होता है? मास होता है। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या बनाई थी हमने? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, है ना। दो बॉडी के पास मास है। इसके बाद में क्या लॉन्ग रेंज फोर्स था? लॉन्ग रेंज मतलब मैं यहाँ पे हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, है ना, और कोई यूएस में कोई आदमी बैठा है, हम दोनों के पास मास है। हम दोनों के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, है ना। कितना भी दूर हो, दो बॉडीज कितनी भी दूर हो, कहीं पे भी हो, है ना, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, अगर उन दो बॉडीज के पास क्या है? मास है, तो उन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। विकेश फोर्स, मैं यूएस खींचा नहीं जा रहा है क्योंकि, या फिर यूएस वाला आदमी इधर अट्रैक्ट मतलब हो नहीं रहा, उसको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स आज हम जो पढ़ेंगे डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, है ना। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है कि वीकेस्ट फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कितना भी हो, दोनों के बीच में फोर्स है, एक्सपीरियंस होगा नहीं होगा वो डिस्टेंस के टाइम पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में क्या? डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। वो दो बॉडीज कौन से मीडियम में है? वाटर में है या फिर कोई और मीडियम में, ऑयल है, कोई केरोसिन है, किसी भी मीडियम में हो, उन दोनों बॉडीज के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा होगा हमने, तो वहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करता है फोर्स। दो चार्जेस कौन से मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम पे या उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। ग्रेविटेशन में वैसा नहीं, दो बॉडीज एयर में रख दो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, पानी में लेके जाओ दोनों को उतना ही डिस्टेंस रखना खाली, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, है ना। कहीं पे भी लेके जाओ डिस्टेंस सेम, दोनों बॉडीज सेम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू भी सेम ही मिलेगी हर मीडियम, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? केपलर के तीन लॉ देखे थे, है ना। पहला क्या था कि जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, और सर ये दो इलिप्स सॉरी दो फोकाई जो है या फोसाई जो भी बोलते हो, उन दोनों में से एक फोसाई भी कौन होता है? सन होता है। ये ऑब्जर्वेशन वाला लॉ था, ठीक है, ऑब्जर्व करा दूरबीन से और लिख दिया। दूसरा जो था वो एरियल वेलोसिटी वाला था, इसका हमने प्रूफ भी दिया था, इस लॉ को हमने प्रूव भी किया था, वीडियो है आप देख सकते हो, फर्स्ट वीडियो, ठीक है। क्या था कि एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वाला कंसेप्ट यूज करके हमने एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट बता दी थी। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट था टाइम पीरियड वाला, है ना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर मतलब यहाँ पे था सेमी मेजर एक्सिस, इलिप्स को दो एक्सिस होते हैं ना, ये मेजर एक्सिस लंबा वाला, ये माइनर एक्सिस छोटा वाला, सेमी मतलब यहाँ से यहाँ तक, सेमी मतलब आर, ठीक है। ये तीन लॉ भी हमने क्या करे थे? प्रूव करे थे। आज मेन टॉपिक हम देखेंगे, मेन टॉपिक का नाम जो है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल है, है ना, पूछा जाता है थ्योरी में आपकी बुक में बड़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ दिया है, उतना जरूरत नहीं है। आज जितना पढ़ेंगे उतना ही अगर पढ़ोगे ध्यान में रखोगे तो भी काम बन जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, थ्योरी एग्जाम हो, JEE हो, CET हो, कोई भी हो, जितना यहाँ पे पढ़ेंगे उतना ध्यान में रखो, खत्म, बाकी चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बताया होगा? सर न्यूटन ने बताया है, है ना। ये लॉ क्या बोलता है? फोर्स किसके बारे में? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी, पार्टिकल लिखो, बॉडी लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये वाला, दूसरा है ये वाला, इसके पास मास है m1, इसके पास मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r,
दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, तो ऐसी कंडीशन में फोर्स कितना लगेगा उन दो बॉडीज के बीच में, कौन सा फोर्स आएगा, मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वो फोर्स कितना आएगा है ना, वो बताने का काम किसमें होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर ये वाला लॉ हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस फोर्स का फॉर्मूला बताता है, ठीक है, इस लॉ से ही निकलता है। तो लॉ क्या है उसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम, एवरी, बहुत ही सिंपल, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर, सेम पार्टिकल ऑफ मैटर, यहां तक पहले फ्लो में बोलेंगे, उसके बाद में अभी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, विद द फोर्स, अभी वो फोर्स कैसा होगा, कैसा होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, दिखने में स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन जब आप फॉर्मूला देखोगे बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, किसकी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं, जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है वो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन वाला ही होगा, ठीक है, लेकिन वो कितना होगा, ठीक है, वो बताने का काम कौन करता है, ये वाला लॉ करता है। लॉ क्या है, तो इतना बड़ा उसका स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्या है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर मतलब सब्सटेंस है ना, हिंदी मराठी में क्या, पदार्थ है ना, तो कोई भी पदार्थ हो उस वो किससे बना है, मैटर से, सॉरी पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से, तो हर एक जितना भी मैटर है यूनिवर्स में और जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बना है, हर एक पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो पार्टिकल के पास मास है तो वो पार्टिकल क्या करेगा, दूसरे सारे पार्टिकल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो वही बोला है कि हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल मतलब हर एक पार्टिकल किसका, मैटर का, क्या करता है, अट्रैक्ट, क्या करता है, अट्रैक्ट किसको, एवरी अदर पार्टिकल, मैं एक पार्टिकल हूं, मैं बाकी दूसरे सारे अदर पार्टिकल्स को क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि उन सारों के पास भी क्या है, दूसरों के पास भी क्या है, मास है, तो वही बोला है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब दूसरे दूसरे अदर मतलब क्या, दूसरे दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे पार्टिकल भी किसके होंगे, मैटर के ही है ना, पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है, ठीक है, तो इतना स्टेटमेंट क्या होगा, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट किसको, एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब अभी अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना, विद अ फोर्स, अट्रैक्शन वाला फोर्स विद अ फोर्स, वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका प्रोडक्ट, दो चीजें कौन है यहाँ पे, मासेस है, ये अकेला डिस्टेंस का प्रोडक्ट नहीं होगा ना, दो कौन है, मासेस है, तो वही हो गया प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वन अपॉन किसको, स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है आर, उसका स्क्वेयर होता है, आर का स्क्वेयर, ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, आराम से लिखोगे, उसको अपन क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स, पूरा स्टेटमेंट के फ्रैगमेंट बना लेना, तीन चार फ्रैगमेंट बना लेना और एक एक फ्रैगमेंट को याद रखना या समझ लेना, कैसे, पहला एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेगा, अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब अट्रैक्शन वाला फोर्स, तो वो फोर्स के बारे में बोलेंगे, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, अभी फोर्स विद अ फोर्स, अभी वो फोर्स कैसा है, तो फोर्स के बारे में दो चीजें बोलोगे, क्या, पहली चीज कि वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरी चीज क्या, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसको, स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वेयर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको एक साथ कैसे लिखोगे, फोर्स, इनको इकट्ठा करो,
एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये है लॉ। उसके बाद का आपको पता है क्या करेंगे, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटा दे अपन इक्वल टू और एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वो क्या है कैपिटल जी, बाकी एज इट इज एम वन एम टू आर स्क्वायर। जी जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मतलब क्या, इस कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आगे जब आप जाओगे इस चैप्टर में तो दो जी है इस चैप्टर में, एक जी होता है स्मॉल जी, ये स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, और कैपिटल जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अभी समझ जाओ, छोटा जी जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, प्लैनेट अगर प्लैनेट बदल दो तो चेंज हो जाएगा, अर्थ पे 9.8 है, अलग अलग इस पे अलग अलग प्लैनेट पे वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, लेकिन कैपिटल जी जो है वो आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, अर्थ में रहो, जुपिटर पे रहो, सैटर्न पे रहो, मार्स पे रहो, कहीं पे भी रहो, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए उसको बोला है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। कौन सा कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्सल। तो इस जी की वैल्यू पता हो जो भी चीज है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल और एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो ऐसे जो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होते हैं ना उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, बताएंगे नहीं एग्जाम में, नहीं बताएंगे आपको, रटी होनी चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। तो जी की वैल्यू आती है 6.673 × 10⁻¹¹। और यूनिट ढूंढेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैसे आता है बता दो, ये जो वैल्यू है ये तो रटनी अपने आपके बुक में दिया है कि कैपिटल जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जरूरी नहीं है पता करने की, जरूरत नहीं है, ये आई है वैल्यू बस वो बताओ कैसे निकाली क्या निकाली, उतनी दंत कथा से हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वैल्यू पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए कैसे वो देखते हैं। तो देयरफॉर जी क्या हो जाएगा, आर जी के साथ में जो मल्टीप्लाई को है वो डिवाइड को आएंगे और जो डिवाइड को है वो मल्टीप्लाई को कर लेंगे, तो उधर का फोर्स एज इट इज आर स्क्वायर इधर डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई, और एम वन इंटू जी के साथ मल्टीप्लाई में थे इधर आके डिवाइड, तो जी का यूनिट निकालो नीचे वाला दिखेगा आपको, ठीक है, तो जी का यूनिट कितना बनेगा, जी का यूनिट देखो फोर्स का न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें मीटर में, और उसका डी स्क्वायर, मास मतलब केजी, मास मतलब केजी, केजी 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 का स्क्वायर, तो ये होता है जी का यूनिट, ये होता है कैपिटल जी का वैल्यू, ठीक है, इसमें और कोई चीज आपको समझने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे इससे पहले ये लॉ लिखने से पहले आपके बुक ने जो दिया है वो एक्सेलरेशन का वेरिएशन दिया है विद डिस्टेंस, है ना, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन एम टू, मासेस ज्यादा फोर्सेस ज्यादा वो पता था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन बुक में है वो इसके लिए है, है ना, अर्थ पे जितनी भी बॉडीज है उनका एक्सेलरेशन 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद में मून का बोला है, अर्थ और मून इनके बीच का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, तो उसके बाद में पता चला कि एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम कम होते जाएगा उसके हिसाब से, और डिस्टेंस से कैसे तो उसका स्क्वायर के हिसाब से वो कम कम होगा, ऐसा बताया है, याद रखने की पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, इतना ध्यान रखो हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया लॉ, बस लॉ में और कुछ है नहीं, अभी दो पॉइंट्स है इसमें, है ना, दो पॉइंट्स आपको सीईटी जेईई और भी जो कोई एग्जाम आप देने वाले हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, एक शेल के बारे में बोलेंगे, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, उसके अंदर जब बॉडी होगी कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो अभी बता देता हूं मैं कहां पे हटा देता हूं, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो याद है, मान लो ये हॉलो स्फीयर, हॉलो मतलब खोखला, है ना, मराठी में पोकड़, हिंदी में खोखला, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, और इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है मतलब क्या, ये जो है थीन होगा, ये स्पीयर क्या होगा, थीन होगा, और कहीं पे भी मोटा कहीं पे पतला ऐसा नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म, जैसा हमारा प्लास्टिक का बॉल होता है ना, जिससे अपन क्रिकेट खेलते हैं प्लास्टिक का,
वो क्या होता है, हॉलो होता है और एक यूनिफॉर्म होती है उसकी डेंसिटी। अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रख दे कहीं पे भी, सेंटर पे ही नहीं, आप कहीं पे भी रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी रखो, इनसाइड जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इनसाइड ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स होगा जीरो। ये बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इनसाइड में जितना भी फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो, ठीक है। क्यों, देखो मान लो यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, सेंटर पे नहीं लेते, कहीं दूर दूर पे लेते, ये सेंटर है आपका और बॉडी आपकी यहाँ पे, इस पे बहुत फोर्स लगेंगे। क्या है, यहाँ पे ये सारे पार्टिकल की पोजीशन इधर है, ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे, ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये पार्टिकल इसको इधर खींचेगा, ये पार्टिकल इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बाकी के पार्टिकल से उधर खींचेंगे, अट्रैक्शन वाला फोर्स ना, इधर ऐसे खींचेंगे। इधर क्या है, मास ज्यादा है खींचने वाला, तो हमको क्या लगेगा कि ये जो पार्टिकल है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर मास कम है ना, इधर मास कम। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि इधर मास ज्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। इधर मास कम है लेकिन उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी तो क्या है, कम है। तो डिस्टेंस कम जब होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और मास जब कम होगा तो फोर्स कम लगेगा, क्या। तो यहाँ पे जो मासेस की कमी है उसको कॉम्पनसेट कौन कर दे रहा है, डिस्टेंस भी कम है, मास कम है तो डिस्टेंस भी तो कम ही है, क्या। मासेस ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है, डिस्टेंस भी तो ज्यादा ही है ना। वैसे केस में क्या होगा, इधर वाला जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, ऊपर जितना फोर्स लगेगा नीचे भी इधर उतना ही लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, टोटल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है ना, तो उस केस में टोटल फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपको न्यूमेरिकल आ सकता है सीडी या जे डबल में, क्या कि मान लो एक न्यूमेरिकल में ओरली बताता हूँ आपको कि देयर इज अ हॉलो स्फीयर और अ स्फेरिकल शेल विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी, और उस स्फेरिकल शेल का मास कैपिटल में लिखता हूं मैं 100 की, ठीक है। स्फेरिकल शेल, शेल जब आएगा ना वर्ड तो समझ जाने का, शेल मतलब ये क्या है, हॉलो है, शेल मतलब क्या, हॉलो, कभी बताएंगे नहीं है ना, तो ये समझ के लेना है, शेल वर्ड आया समझ जाओ कि हॉलो है, ठीक है। उस स्फेरिकल शेल का मतलब ये स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का मास कितना है, 100 के, उसके अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका मास बोला हमने 20 kg, 20 kg नहीं चलो 2 kg बोल देते हैं, और बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसको हमने प्लेस किया, मतलब रखा कहाँ पे, एट, और इसकी रेडियस मान लो रेडियस 6 meter, ये जो स्फेरिकल शेल है उसकी रेडियस कितनी है, 6 meter। और तुमको एग्जांपल में बोला कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने रखा एट 3 meter फ्रॉम सेंटर, तो ये सेंटर से 3 meter कितना यहाँ पे आ गया है ना, ये 3 meter, इसका मतलब क्या कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे रखा है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज देखेंगे और ये वाला कंसेप्ट लगाने लग जाएंगे, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है ना, ऐसा वाला कोई, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू पता है, कैपिटल एम मतलब बड़ा वाला मास पता है 100 kg, छोटा वाला पता है 2 kg, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ पे ऐसा कुछ कर लोगे या यहाँ से यहाँ पे ऐसा कुछ कर लोगे सेंटर सेंटर से, है ना। तो उस केस में आपको न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आ भी जाएगी लेकिन आप कंसेप्ट भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो सीधा फोर्स की वैल्यू कितनी लिखनी है, फोर्स की वैल्यू लिखनी है 0, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मूला भले ही याद हो हम डायरेक्शन भूल जाते हैं, इधर इधर फोर्सेस लगेंगे, मासे ज्यादा है तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है ना, मासे ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा है ना। यहाँ पे ये मासेस कम है, डिस्टेंस भी क्या है, कम है, ठीक है, तो फोर्सेस कॉम्पनसेट करके कैंसिल हो जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट ध्यान में रखने का कि कोई भी हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फेरिकल शेल हो,
उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म ही होगी, और उसके अंदर अगर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हो तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ये पहला कंसेप्ट है। उसके बाद में दूसरा कंसेप्ट क्या है, मान लो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट किधर था? शेल के अंदर, अभी बाहर है, एक स्फीयर है, अभी ये कौन सा भी हो, हॉलो हो या सॉलिड, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर है, तो कैसे? अभी अपन बात करते हैं तो क्या यहाँ पे पार्टिकल ऐसे फैले हुए हैं, तो क्या हर एक पार्टिकल का निकालेंगे क्या, ये पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में फोर्स, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में फोर्स, ऐसे नहीं निकलेगा। तो अपने को क्या है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो दो बॉडीज के बीच में फोर्स निकालना है उनको बॉडी की तरह ट्रीट मत करो, उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। लेकिन इतना बड़ा जो है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट करोगे, तो पिछले चैप्टर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ये जो पूरा जितना भी मास है ऐसा फैला हुआ है ना, मान लो ये 100 kg का है, तो इस स्पीयर, ये जो हॉलो स्पीयर या सॉलिड स्पीयर, यहाँ पे कोई भी हो, हॉलो या सॉलिड हो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाहर है अभी, है ना, तो ये सॉलिड हो या हॉलो हो कोई लेना देना नहीं। इसको क्या करो, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यूज करो, और इस हॉलो स्पीयर या सॉलिड स्पीयर को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लिखो, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही मास लिख दो कितना, 100 kg। अभी तुम सोचोगे कि इसको रखना किधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है, इसका सेंटर ऑफ मास आता है सेंटर पे, तो अभी सेंटर से डिस्टेंस है ना, सेंटर से जो भी इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो ये वाला पॉइंट मैंने सेंटर पे रखा है अभी, तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब भी आप इस पे न्यूटन का लॉ लगा सकते हो, ठीक है। तो इतनी बड़ी बॉडी का मास जो दिया है वो मास और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं लोग, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते ना तो वैसा नहीं करने का। जो भी बड़ी बॉडी दी है उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो, सेंटर ऑफ मास, ये जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है उनका क्या आता है, सेंटर में ही आता है, तो टेंशन नहीं, मतलब इसका रेडियस भी गिनेगा। और यहाँ पे मान लो एक ऐसी बॉडी है तो इसका भी क्या गिनेगा, इसका भी रेडियस गिनेगा, रेडियस टू रेडियस डिस्टेंस लेनेगा। कोई लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेके गड़बड़ कर देते हैं, वैसा नहीं, दोनों बॉडीज की क्या ढूंढो, दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास ढूंढो, उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये दूसरा वाला कंसेप्ट था, एक हॉलो के अंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट, और जब दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट बाहर हो तो तब कोई लेना देना नहीं इससे, हॉलो या सॉलिड है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या है इस कंसेप्ट में, एक मास होगा M1, बाकी M2 इधर है, M3 इधर है, M4 इधर है, तो एट अ टाइम इस पे कितने लोग फोर्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ, M2 इसको उधर खींचेगा, M3 इधर खींचेगा, M4 इधर खींचेगा। फॉर्मूला इन दोनों के बीच में कैसे निकलेगा, पहला F=F1 बोल देता हूँ, M1 M2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है R1, तो क्या लिख देंगे R1 स्क्वायर। F2 कैसे निकालोगे, सॉरी ऐसे लिखेंगे F12 F13। इसको लिखते कैसे, फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 3, क्या लिखोगे, इसको डिस्टेंस बोल देते हैं R2। अभी कौन सी बॉडी, जी M1 M3, ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू ये फोर्थ वाला, जी M1 M4 अपॉन ये डिस्टेंस मान लो R3 का स्क्वायर, इस तरह से। और बाद में सबकी एडिशन करोगे, एडिशन कैसे होगी तो वो ध्यान में रखना, अलजेब्रिक एडिशन नहीं, वेक्टर्स। मान लो अगर आपने कैलकुलेट करा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम आ गए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पे इन दोनों की वजह से लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो अलजेब्रिक सम नहीं करनी है, कौन सी सम करनी है, वेक्टर सम करनी है, ठीक है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर, ये M2 इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये M4 इधर अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों फोर्सेस अगर सेम हो गए, उनको पता है ना, ये सरफेस है कोई, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इधर लगने वाला 5 N, इधर भी लगने वाला 5 N, क्या टोटल फोर्स, जीरो। सेम वैसा ही है, इधर उधर 5 N, इधर भी 5 N लगेगा, दोनों कैंसिल कर देंगे, डायरेक्शन अगर एग्जैक्ट अपोजिट हो तो,
या फिर एग्जैक्ट अपोजिट, तो अल्जेब्रिक सम नहीं होगी, वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या देखा हमने, ग्रेविटेशनल लॉ का स्टेटमेंट देखा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी देखा, ये है। ठीक है, उसके बाद में ये दो पॉइंट्स पढ़े हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद में ये जो है टोटल फोर्स क्या करोगे, इसको प्लस इसको ऐड करेंगे, लेकिन एडिशन फंक्शन भी वेक्टर्स है, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन तेरा, क्या बोलते हैं सुपर पोजिशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।